सो so, दोस्तों पेश करते हैं एक्सवी सेवन डबल ओ का ब्लेज एडिशन सबसे पहले फ्रंट के अंदर बहुत ही खूबसूरत आपको पियानो ब्लैक अंदर ग्रिल मिलती है ट्विन पिक का लोगो जैसे आप देखेंगे ये कलर आपको नॉर्मल सा नहीं लग रहा होगा सो so, लेटेस्ट में महिंद्रा जो है वो अपने सारे के सारे नए वेरिएंट्स के अंदर कुछ ना कुछ नया प्ले करने की कोशिश कर रही है और जो कि बहुत अमेजिंग भी है तो यहाँ पर आपको एक मैट कलर कलर देखने को मिलता है ये जो कलर है ये थोड़ा सा आपके पास में डार्क ऑरेंज महरून जैसा है और थोड़ा सा बहुत थोड़ा अलग ही यूनिक लग रहा होता है दूर से देखेंगे तो बहुत तो पुलिस वाले ये पूछ लेंगे कि भाई आपने रैप करवा रखी है मगर एग्जैक्ट कलर आपको ही आपको ये मिल रहा होता है जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही ऑल ब्लैक के अंदर आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ब्लेज और उसके साथ में छोटे से माउंटेन की आपको ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलती है अगेन पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो ओर है वो मिलते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स नीचे की तरफ आपको मिलता है यहाँ पर वही 360 कैमरा अब जैसे ही आप इधर देखेंगे वैसे वही मैकेनिज्म है कुछ ओपन करने का कुछ भी चेंज नहीं है बस कलर में बहुत बड़ा चेंज करा गया है पीछे से भी आप लोगों को दिखा देते हैं सो जैसे आप यहाँ देखेंगे एक्स्यू वी सेवन डबल ओ की ब्रांडिंग जो है सट इन क्रोम के साथ में ए एक सेवन लग्जरी नीचे लिखा हुआ है और इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास में ब्लेज का जो अलग से एम्बुलम है वो छू आप महसूस कर सकते हो कुछ इस प्रकार से दिख रही है पीछे से आप सबसे पहले ट्रंक की अगर हम बात करें तो ट्रंक में बहुत बड़ा चेंज नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा अंदर से वही ऑल ब्लैक वाला जो इंटीरियर

इसके अंदर आपको हल्का सा वो जो बाहर वाला इंटीरियर एक्सटीरियर है वैसे का वैसा रेडिश आपको यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलेगा और उसी के साथ सेम कलर की आपको यहाँ पर स्टिचिंग देखने को मिलेगी अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर सेट जो सेंटर है इसके अंदर सेट इन क्रोम के अंदर ही सेंटर जो इस, जो ए वेंट है इसके इंसर्ट आपको देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ सेम का सेम पेना सनरूफ जो सबसे बड़ा सेगमेंट में है मगर कुछ चीज़ें जो चेंज हुई है वो हुई है आगे की तरफ जो कि बहुत अमेजिंग भी है सो so, जैसे आप आगे की तरफ देखते हो और ये सच्ची ऐसे लगता है जैसे किसी कार लवर ने ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कराई हो तो ये बताओ मुझे कि महिंद्रा के कौन से इंजीनियर साहब हैं जो इतने भारी कार लवर है जो अपने हिसाब से इन चीज़ों को थोड़ा सा कूल बना रहे सो so, जैसे आप यहाँ देखेंगे अगेन यहाँ पर भी आपको स्टिचिंग देखने को मिलेगी जो सीट्स हैं इनमें भी आपको वैसे की वैसी स्टिचिंग देखने को मिलेगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आप हेड्रेस की बात करते हो तो आगे और पीछे हेड्रेस पे जो आपको माउंटेन वाला जो ब्लेज है वैसे का वैसे आपको यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलती है जब आप इंटीरियर में देखेंगे तो जो आपका जो ग्रिप है जो पूरा का पूरा जो स्टेयरिंग है इसके कोने पर भी आपको सेम के सेम स्टिचिंग देखने को मिलेगी जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में जो कंट्रोलर है उसके चारों तरफ सेम आपको कलर इंसर्ट मिलते हैं एंड यहाँ पर जो पाइपिंग देखते हो उसमें भी आपको सेम कलर इंसर्ट मिलता है और उसके साथ में जो ए वेंट है इसमें भी सेम का सेम कलर इंसर्ट मिलता है तो इंजीनियर साहब जिन्होंने भी ये गाड़ी में ये सारे काम करा एरअ जैसा ये वाला दिख रहा है ना वैसा ये वाला कर देते तो थोड़ा सा और मज़ा और बढ़ जाता मगर अभी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक टच ये देखने को मिलता है सेम टाइम जब आप डैशबोर्ड में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम के सेम स्टिचिंग देखने को मिलती है तो ये तो हमने बनाया बड़ा ही छोटा सा एक कंटेंट जिसके अंदर जो ब्लेज एडिशन लिमिटेड एडिशन है इस गाड़ी के ऊपर हमने बताया अगर आप लोगों को भी इस ब्लॉग में मजा आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला कौन सा डिटेल्ड वीडियो हम आप लोगों के लिए ले लेकर आए मगर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों तो स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा इसी तरीके से हमारा कंटेंट एंजॉय करते जाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि अगला व्लॉग हम कौन सा लेकर आए tập tích bye bye